सर सामने कैमरे पे। बाकी बीजेपी इसको और ज़्यादा कमिटमेंट से करती है और इसका फायदा तो होता ही है, और जो पार्टी जिसका गठन का आधार कार्डर बेस है उसको तो ट्रेनिंग ये दी जाती है कि जो बात कही जाए उसको निर्णायक रूप से वो ग्रहण करें और फॉलो करें। पार्टी क्या 2022 में 2024 की तैयारी कर रही है क्या, इसीलिए ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, 2024 के लिए आप बेबाक अपने पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं, अपनी सलाह रखने के लिए, क्या इस मंच पर आप ये बात रखेंगे कि पार्टी अकेले लड़े तो ज़्यादा फायदा होगा? पार्टी का अब साइज वो हो गया जिसमें वो किसी पे आश्रित नहीं है, और जब आश्रित नहीं हो तो अकेले लड़ो, कौन सा कोई बता रखा कि आप शक्तिशाली होके भी किसी की किसी का सहारा ले किसी दूसरे का उठा। नहीं प्रदेश में सर जिस तरह से 40 सीटें आई, सहारा लेना पड़ा, क्या लगता है आपको तीसरी बार क्या सहारा बिना सहारे के आप जीत पाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सहारा साथ चलता रहा तो शायद नुकसान हो जाए, अकेले लड़ेंगे तो पार्लियामेंट के बारे में तो आप भी मान लेंगे कि पार्लियामेंट में तो देश में ही किसी सहारे की जरूरत नहीं है। दो बार मतदाताओं ने ये बता दिया कि हम जिस पार्टी ने खुद ये सोचा था कि हम शायद 2014 में 273 सीटें ना ले सके, लेकिन स्पष्ट बहुमत तब भी आया, और 2019 में तो जितना भी मैं तो ये कहूँगा कि जितने MP बने हैं ये सिर्फ मोदी जी की वजह से बने, बीजेपी की भी वजह नहीं है, मोदी जी की वजह से बने। कुलदीप बिश्नोई के आने से क्या फ़ायदा मिलेगा पार्टी को? वो मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं हो ऐसे ही करो और इससे इधर उधर करोगे तो नुकसान होगा।